हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैलाश नगर में बिलेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। विधायक संयम लोढ़ा ने कार्यक्रम में शिरकत कर मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर से कैलाश नगर तक सड़क निर्माण का दिलाया भरोसा। शिवगंज उपखंड क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित भीमगिरी महाराज की नाड़ी पर नवनिर्मित बिलेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सोमवार को धूमधाम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा ने शिरकत कर भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विधायक लोढ़ा ने बच्चों को गीता पढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि गीता पढ़ने वाला बच्चा अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारता। गीता में बहुत सी बातें ऐसी लिखी है कि जिससे हमारे जीवन के व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि जन्म से ही विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में जो शब्द निकले वो गीता के रूप में कालदेह कृति बन गए। लोढ़ा ने कहा कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से क्षेत्र में सुख शांति एवं भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्वार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को शीघ्र ही कैलाश नगर से बिलेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण करवाने का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने ग्रामीणों के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम से पहले विधायक संयम लोढ़ा का ढोल नगाड़ो पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक लोढ़ा ने महापुरुष संत महात्माओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि भीमगिरी महाराज की धुनी के महंत केवलगिरी महाराज सहित आबूराज संत सेवा मंडल के सानिध्य में 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित हुए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुए। साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रवीण पुरोहित, गंगा सिंह, तेजाराम मीणा, पूर्व प्रधान अचला राम माली सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।